नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे सहारनपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां सहारनपुर बॉर्डर को सील किया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सहारनपुर बॉर्डर सील किया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू के काफिले को रोका गया है। नवजोत सिंह सिद्धू के काफिला लखीमपुर खीरी जा रहा था, लेकिन उन्हें बीच में ही रोक दिया गया है। शाहजापुर पुलिस चौकी के पास बॉर्डर सील हुआ है। तो वहीं लखीमपुर खीरी प्रकरण को लेकर यह बड़ा फैसला, जहां हरियाणा पंजाब के नेताओं की आवाजाही पर रोक है। हरियाणा बॉर्डर पर भारी फोर्स तैनात किया गया है। किसान नेताओं और पार्टियों के नेताओं को रोका गया है। नेताओं के साथ पुलिस की इस दौरान तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। तो वहीं सहारनपुर के थाना सरसावा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में जो घटना किसानों के साथ हुई, उसके बाद लगातार विपक्ष हमलावर है सरकार पर, और इसी के चलते विपक्ष के वहां पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करने के लिए विपक्ष वहां पर जा रहा है, और इसी के चलते नवजोत सिंह सिद्धू भी वहां पर लखीमपुर खीरी जा रहे थे, लेकिन उन्हें रोका गया है, बॉर्डर सील किया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू के काफिले को बीच में ही रोक दिया गया, सहारनपुर बॉर्डर को सील कर दिया गया है। तो वही शाहजहांपुर पुलिस चौकी के पास बन्ना बॉर्डर सील हुआ है। लखीमपुर खीरी प्रकरण को लेकर यह अहम फैसला यूपी सरकार की तरफ से लिया गया है कि हरियाणा पंजाब के नेताओं की आवाजाही पर रोक रहेगी। हालांकि उत्तर प्रदेश को इजाजत दी गई है। कल कई बड़े नेता जो है लखीमपुर खीरी पहुंचे थे, और इसी के चलते, लेकिन अब ये बड़ा फैसला यूपी सरकार ने लिया है कि हरियाणा और पंजाब के नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने से रोका जा रहा है, उनकी आवाजाही पर रोक है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? नवजोत सिंह सिद्धू के काफिले को रोक दिया गया है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो है सहारनपुर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर जो है पूरा वो राजनीतिक हाई वोल्टेज ड्रामा चालू है, जहाँ पर जो है नवजोत सिंह सिद्धू के जो है काफिले को रोक दिया गया है। अब जो है नवजोत सिंह सिद्धू जो है अपने पूरे काफिले को आगे लखीमपुर ले जाने की मांग को लेकर जो है वहीं धरने पर बैठ गए हैं, और धरने में यही उनकी मांग है कि जितने लोग भी उनके साथ आए हुए हैं वो सभी लोग जो है वो लखीमपुर जाएंगे और पीड़ित परिवार से मिलेंगे। लेकिन जनपद सहारनपुर पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि केवल 5 लोगों को आगे जाने की इजाजत है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और उस सरकार के आदेश की अवहेलना नहीं की जाएगी, और किसी भी कीमत पर पूरे काफिले को जो है वो बॉर्डर पार नहीं कराया जाएगा। जी, किस तरह से समझाने का प्रयास अब किया जा रहा है? मौके पर कौन कौन से अधिकारी मौजूद हैं शरद? देखिए, एडीजी लाइन ऑर्डर जो है राजीव सब्बरवाल जी मौजूद हैं, डीआईजी सहारनपुर मौजूद हैं, डीआईजी मेरठ मंडल मौजूद हैं, और इस समय कमिश्नर सहारनपुर हैं। तो सभी के जो है मौजूद अधिकारियों के बीच में जो है वार्ता चल रही है। वार्ता को दरकिनार करते हुए जो है नवजोत सिंह सिद्धू अपने समर्थकों के साथ जो है वहीं पर बैरियर हटाकर जो है वो धरने पर बैठ गए हैं, और लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें लखीमपुर जाने दिया जाए और पीड़ित परिवार से मिलने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। जी, और नवजोत सिंह सिद्धू के काफिले में करीब कितने लोग शामिल बताए जा रहे हैं? देखिए, काफिला एक बहुत बड़ा काफिला है, जहां पर ये गाड़ियां रोकी गई है वहां से लगभग 1-2 किलोमीटर तक उनका काफिला है, और 500 से 600 गाड़ियों के बीच में बताया जा रहा है कि गाड़ियों को लेकर जो है वो पंजाब से चले थे, और वो लगातार बीच बीच में जो है गाड़ियां उनके समर्थक बढ़ते गए, और अभी सैकड़ों की संख्या में जो है वो गाड़ियों का काफिला उनके साथ मौजूद है, और हजारों की संख्या में अभी कार्यकर्ता उनके साथ जो है वो धरने पर बैठ गए और बैरिकेडिंग को तोड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। जी, और क्या कुछ वहां पर देखने को इस वक्त मिल रहा है? क्या लगता है, ये लंबा चलने वाला है वहां पर धरना, या फिर उनको समझा लिया जाएगा? देखिए, समझाने के प्रयास में जो है वो जिला प्रशासन पूरी तरीके से वो लगा हुआ है, अपनी ताकत को लगाए हुए हैं। इससे पहले भी जो है अकाली दल के कुछ नेताओं को उन्होंने वहीं पर रोक दिया गया था, वो भी धरने पर बैठे हुए हैं एक साइड में। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के आने से जो है वो जिला प्रशासन का सर दर्द जो है वो बढ़ गया है। वो इसलिए कि उनकी जो समर्थकों की संख्या है वो पुलिस प्रशासन से कहीं ज्यादा है, और गाड़ियों के काफिले की अगर बात की जाए तो वो हजारों की तादाद में जो है वो गाड़ियों का काफिला है, जो आधा उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर चुका है और आधा हरियाणा की सीमा में वो रुका हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस समय नवजोत सिंह सिद्धू अपनी राजनीतिक अक्षमता को दिखाने के लिए पूरी तरीके से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, और नहीं लगता कि ये अभी हाल फिलहाल में जिला प्रशासन के द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कोई मान लिया जाएगा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया शरद आपका।